प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस छह, एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस छह, और उसके बाद आप देखिए एक्स प्लस तीन और इसको लेस देन जीरो बोल दो। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देना आप इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस दो एक्स प्लस छ, और क्या होगा एक्स प्लस तीन लेस देन जीरो। ठीक है, उसके बाद देखो एक्स कॉमन ले लो एक्स माइनस तीन, यहां से माइनस दो कॉमन ले लो एक्स माइनस तीन, इसको ऐसा लिखो और यहां पे क्या कर दो एक्स प्लस तीन और लेस देन जीरो। ऐसा तो आपको आता ही होगा। अब पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें ब्रैकेट में से एक्स माइनस तीन कॉमन आ रहा है, बच क्या गया एक्स माइनस दो और यहां क्या है एक्स प्लस तीन लेस देन जीरो। अब बच्चों मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान देना, अब बार बार हम क्रांतिक बिंदु नहीं लिखेंगे, उससे बढ़िया है कि हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें, क्योंकि समय भी बचाना है आपको। बोर्ड एग्जाम के साथ इलेवंथ क्लास है अभी तो आपकी, और इसके साथ आपको कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम भी देने हैं, तो आपका समय भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय भी बहुत कीमती होता है। तो देखो आप क्रांतिक बिंदुओं के लिए आप अपने मन से क्या करो, एक्स माइनस तीन बराबर जीरो क्या है एक्स बराबर तीन, यहां से क्या है एक्स माइनस दो बराबर जीरो एक्स बराबर दो, और एक्स प्लस तीन बराबर जीरो एक्स बराबर माइनस तीन आएगा। ऐसे लिखो ना माइनस तीन दो और तीन। अब बताओ ये आप अपने मन से कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। जो स्टेप फालतू की है, जो स्टेप को आप अपने माइंड से कर सकते हैं, उन स्टेप को कभी भी आप लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें भी समय खराब होता है। उसके बाद देखिए लेस देन है, लेस देन है तो आपको कैसा सर्किल यूज करना है, ब्लैंक सर्किल। देखो इस ट्रिक से बाहर में बिल्कुल भी नहीं जा रहा, ये ब्लैंक सर्किल यूज कर लिया। उसके बाद देखो अब अपना प्लस माइनस चिन्ह यूज करते हैं, आप यहां पर प्लस लगाओ, लगा दिया प्लस, हमेशा लगाना है, ध्यान रखना ये एक्स पहले आना चाहिए, ये बात नेसेसरी कंडीशन है, ये एक्स पहले आना चाहिए और इधर कोई भी माइनस माइनस नहीं रहना चाहिए, तो आपने प्लस लगा दिया। उसके बाद देखो इसकी पावर क्या है वन, इसकी पावर क्या है वन, इसकी पावर क्या है वन। अब ध्यान देना ये ट्रिक का दूसरा पार्ट है, इस पार्ट को मैं लिखता हूं यहां पर, घात सम चिन्ह में परिवर्तन होगा, चिन्ह में परिवर्तन होगा, ये आपको कॉपी में नोट करना है क्वेश्चन के साथ साथ, और घात विषम चिन्ह में परिवर्तन, चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा ये लिखना है, और घात विषम तो लिखोगे चिन्ह में परिवर्तन होगा। यहां पे आपने क्या लिखा, घात विषम यानी चिन्ह में परिवर्तन होगा, घात सम तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, ये आपको स्टेटमेंट ढंग से रख लेना है। अब देखो ये सब वन वन क्या है, ये विषम ही तो है, वन वन क्या है विषम, तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, तो यहां तो आपको हमेशा प्लस लगाना है, लगा दिया यहां माइनस फिर प्लस यहां माइनस, अब रख के भी नहीं देखना, तब आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है। आगे जो क्वेश्चन होंगे हमें मैं आपको सिखाऊंगा। तो क्या किया आपने, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस से स्टार्ट करना है। उसके बाद देखो लेस देन है तो आंसर कौन सा आएगा, लेस देन है तो माइनस साइन यूज करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे तो आपके उत्तर ये रहेंगे, तो आपको ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, ये वाला खंड भी आपका उत्तर नहीं होगा। तो देखो एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस इन्फिनेटिव से माइनस तीन, और यहां पे क्या है दो से लेके तीन, अब इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव पे क्या आता है छोटा ब्रैकेट, तो लो छोटा ब्रैकेट। उसके बाद
ये जो ब्लैंक सर्किल है इस पर क्या आएगा, ब्लैंक सर्किल छोटा ब्रैकेट, तो ये लो आप छोटा ब्रैकेट, ये भी ब्लैंक सर्किल है, ये छोटा ब्रैकेट है, ये भी ब्लैंक सर्किल है, ये छोटा ब्रैकेट। देख लो माइनस तीन पे कैसा है, दो पे भी छोटा आएगा, तीन पे भी छोटा आएगा, क्योंकि कैसा है, ब्लैंक सर्किल है। और इनको जोड़ने के लिए क्या लगा देते हैं, यूनियन, यूनियन मतलब संघ, और यही आपका क्या है आंसर है। इस प्रकार से आपने इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम आगे इससे भी और अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे।